ये यहाँ पे जो फर्नीचर आपको मिलेगा वो मिलेगा फैक्ट्री रेट पे। बेडरूम सेट का हमने नाम रखा है स्विस ड्रीम। जिस तरीके से हमारी बहनें अपने ख्वाबों में अपने तस्वुर में सोचती हैं कि हमें शादी में जिस तरीके से बेडरूम सेट चाहिए। अगर भाई बेडरूम सेट के अलावा हमारे पास डाइनिंग टेबल भी होती है, डाइनिंग टेबल भी आपको मिल जाएंगी। सोफे सेट्स वगैरह के भी काफी सारे डिजाइन मिल जाएंगे आपको। किचन कैबिनेट भी मिल जाएगा। फर्नीचर के हवाले से एक जम्बो अलमारी जो नॉर्मल साइज से बहुत ही बड़ी अलमारी है। यार ये तो बहुत बड़ी है जी। आगा भाई कस्टमर ने हमसे जो है ये अपनी एक तस्वीर दिखा के हमसे ये मेक करवाया। देख सकते हैं आप इसका बेड जो कि फुल कुशन के अंदर है। हेडबोर्ड की बात करें तो ये हमारा हेडबोर्ड 9 फीट के विड्थ के साइड के अंदर। अगर बात करें तो आपको इसमें स्टोरेज की ड्रॉजिस भी मिल जाती है। काफी बड़ी ड्रॉजिस है और काफी मजबूत बनी हुई है। देखें मैं इसके अंदर अपना मतलब इसको कूद के भी दिखा लो। से जो हमारा काम चल रहा है ऑनलाइन वर्किंग का जो काम चल रहा है वो इसी तरीके से चल रहा है कि डिजाइन आपका होता है, कलर आपका होता है, बना के हम देते हैं। ड्रेसिंग टेबल ये आ गई कैटलॉग स्टाइल की ड्रेसिंग टेबल जो कि पूरी एक शीट के ऊपर बनी हुई है। और आप इसका मिरर देख सकते हैं जो ये प्रेस हुआ है पूरी शीट पर। अच्छा। मतलब कोई सकते हैं इसमें डबल फैब्रिक यूज हुआ है, टर्किश फैब्रिक भी यूज हुआ है, मलाई फैब्रिक भी यूज हुआ है। बीच में जो ब्लैक आप देख रहे हैं ये मलाई वेलवेट है। इसकी ड्रॉज आ गए, ठीक है। ये आपने ड्रॉज ओपन करी, इसके बाद आपने ये पल्ला ऊपर उठाया और ये देखें एक बिल्कुल यूनिक सी इसमें सेफ भी मिल जाती है। ये खुफिया जी आप अपने घर में सास से नंदों से छुपा के इसमें सामान रख सकते हैं एक्रेलिक लसाने की शीट में। लेकिन आपके व्यूवर्स के लिए आपके चैनल जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपके चैनल को देख के अगर हमसे कोई कांटेक्ट करता है तो भाई 6x6.5 फीट की इसकी अलमारी है। 4 डोर के ऊपर ये मुश्तमल है और इसके आप फ्रंट पे देख सकते हैं 4 फीट का डिवाइडर है और टोटल इसके फ्रंट पे एक्रेलिक यूज हुआ है। अंदर इसका मैं खोल के दिखाऊँ तो इसके अंदर इसके बाद में आपको दिखाऊंगा इसकी अलमारी। बहुत ही यूनिक स्टाइल की अलमारी है। इसमें लंबी लंबी रूटर की झिरियों का काम हुआ है। लंबी लंबी इसमें साइड की पट्टियां फ्लोरिंग मिल जाती है, फुटबोर्ड मिल जाता है प्लेन। साइड टेबलों की बात करें तो हाई बैक की साइड टेबल है जिसमें मिरर का काम हुआ हुआ है और पूरा ये प्रेसिंग इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे। व्यूज में हूं आगा जफर और आप देख रहे हैं हम ट्यूब 360 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी फर्नीचर की शॉप में, समझो कि बहुत बड़ी ये शॉप है, आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी। यहां मेरे आने का मकसद ये है कि ये यहां पे जो फर्नीचर आपको मिलेगा वो मिलेगा फैक्ट्री रेट पे। मतलब ये है कि आपको जैसे बीच में होलसेलर या शॉप वाला होता है वो नहीं होगा, फैक्ट्री के रेट में बनता है और उनकी अपनी फैक्ट्री है, वहीं पर बना के यहीं पर ये सेल करते हैं। तो बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो दोस्तों, आखिर तक आपको सिर्फ जुड़े रहना है। जिन लोगों ने मुझे YouTube पे देख जो लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। और वो जो दोस्त मुझे Facebook पे देख रहे हैं वो जल्दी से फॉलो के बटन को क्लिक करें। तो दोस्तों टाइम ज़ाया किए बगैर सीन करते हैं ऑन। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल फैसल भाई? खैरियत है? फैसल भाई मेरे व्यूअर्स को बताओ कि जो आप ये फैक्ट्री के हिसाब से बना रहे हो इसके बारे में थोड़ा इंट्रो दो अपने यहाँ इसी सुपर स्टोर की। आगा भाई जैसे मैं अपने फैक्ट्री के बारे के अंदर अगर बताऊँ तो हमारा जो है टोटल जो है ऑनलाइन काम है, हम ऑनलाइन वर्किंग करते हैं। हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के सामने हमारा काफ़ी बड़ा डिस्प्ले सेंटर है जहाँ पर आपको 18 से 20 बेडरूम सेट एट अ टाइम हैंड टू हैंड रेडी में भी मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपनी वीडियो के अंदर बेडरूम सेट के डिज़ाइन। अच्छा फिर सर भाई बेडरूम सेट के अलावा क्या क्या होता है थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बता दें। आगा भाई बेडरूम सेट के अलावा हमारे पास डाइनिंग टेबल भी होती है, डाइनिंग टेबल भी आपको मिल जाएंगी। सोफे सेट्स वगैरह के भी काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको। किचन कैबिनेट भी मिल जाएगा। फर्नीचर के हवाले से आपको रूम के अंदर घर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं फर्नीचर के हवाले से तमाम चीज़ें आपको हमारे पास से अवेलेबल मिलेंगी। अच्छा ऑनलाइन के लिए अपना नंबर बताएं मेरे व्यूअर्स को। आगा भाई अगर ऑनलाइन के लिए अगर हमारे कोई भी व्यूअर जो हमारी वीडियो देख के हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आप मेरे इस नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 0318203638 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तमाम आइटम के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं फैक्ट्री रेट पर। अच्छा एड्रेस बता दें यहाँ। एड्रेस की बात करें तो बहुत ही इजी हमारी लोकेशन है आगा भाई, गरीबाबाद बलोच होटल पुराना फर्नीचर मार्केट बहुत मशहूर है। गरीबाबाद बलोच होटल पुराना फर्नीचर मार्केट के साथ एक रोड अंदर आ रहा है सीएनजी पंप के साथ, उसी रोड पे आपको आधा किलोमीटर अंदर आना है, आपके राइट साइड पे आएगा अलहक क्लिनिक हड्डी होगा। अलहक क्लिनिक के साथ वाली गली के अंदर आपको आना है, सामने आप देखेंगे पीली कलर की बिल्डिंग, उसी के नीचे हमारी फैक्ट्री है। फैक्ट्री के सामने ही हमारा डिस्प्ले सेंटर है जहाँ पे काफ़ी बड़ा हमारा डिस्प्ले में बेडरूम सेट लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये तमाम एड्रेस तमाम जो नंबर फ़ोन वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और नंबर इनका स्क्रीन पर भी चल रहा होगा। तो फैसल भाई टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, कहाँ से शुरू करें?
अगर भाई स्टार्ट करेंगे हम हमारा जो एक बेडरूम सेट है लग्जरी बेडरूम सेट है एक्रेलिक प्लस लेमिनेशन में ये बेडरूम सेट है तो स्टार्ट करेंगे इसके बेड से। बेड आप इसका देख सकते हैं, इसका बेड 5.5 फीट की हाइट का बेड है। अच्छा। और इसमें टोटल टर्किश फैब्रिक हमने यूज करा हुआ है। और जो इसके आप छोटे कुशन के पीस देख रहे हैं इसमें आपको मलाई वेलवेट मिलेगा, मतलब डबल कंट्रास्ट के अंदर इसका वेलवेट यूज हुआ है। साइड की पट्टियाँ फ्लोरिंग साइड की पट्टियाँ हैं, फ्लोरिंग इसका फुटबोर्ड है। और साइड के अंदर अगर बात करें तो आपको इसमें स्टोरेज की ड्रॉजेस भी मिल जाती है, काफी बड़ी और काफी मजबूत बनी हुई है। देखिए मैं इसके अंदर अपना मतलब इसको कूद कर भी दिखा रहा हूँ, प्रॉपर शीट के ऊपर ये बनी हुई है। अच्छा, इसकी पूरे बेड की है, पूरी ये 3 फीट की यहाँ पर है, 3 फीट की आगे भाई उस तरफ है, दोनों तरफ है जी। दो साइड टेबलें दी हुई है, दो साइड मतलब दरवाजे दी हुई है। अगर मैं उस साइड से भी दिखाऊँ तो आपको, आप इधर से भी देख सकते हैं, एक ड्रॉज इधर भी मौजूद है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं और पूरी 3 फीट के ऊपर है। ये देखें कितनी बड़ी ड्रॉज है, ये देखें आप पूरी, मतलब एक सेपरेट ड्रॉज बनी हुई है। फिर इसके बाद इसकी साइड टेबलों की बात करें तो कैटलॉग स्टाइल की साइड टेबल है, स्टील का इसका बेस बना हुआ है और आप इसकी नॉब्स देख सकते हैं, कैटलॉग स्टाइल की यूनिक स्टाइल की इसकी नॉब्स लगी हुई है। फिर इसके बाद जो है बात करते हैं इसके डिवाइडर की, डिवाइडर आप इसका ये देख सकते हैं 4 फीट का डिवाइडर है और टोटल इसके फ्रंट में एक्रेलिक यूज हुआ है। अंदर इसका मैं खोल के दिखाऊँ तो इसके अंदर आपको 1, 2, 3 शेल्फ है, 4 बॉक्सेस आपको मतलब 2 आपके डिनर सेट इसमें आराम से स्टोरेज होंगे इजीली। फिर इसके बाद हाइड्रोलिक कब्जे आपको इसमें मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, दिखाया आगा भाई, अच्छी क्वालिटी के ये हाइड्रोलिक कब्जे हैं और डी स्टाइल का ये डिवाइडर कहलाता है और 4 इंची के नीचे चौड़े पाए लगे हुए लकड़ी के, मतलब नीचे सफाई वगैरह मोप वगैरह के लिए बहुत ईजी है, कोई कचरा जमा नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं इसके ड्रेसिंग टेबल की, बहुत ही कैटलॉग स्टाइल की इसकी ड्रेसिंग टेबल है। एक साइड से मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आपको ब्यूटी बॉक्स मिल जाता है और इसमें भी आपको हाइड्रोलिक कब्जे मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको पूरा मिरर मिल गया, एक साइड पे आपको शेल्फों का सिस्टम मिल जाता है और यहाँ पर अगर हमारे किसी भी व्यूवर्स को वॉल हैंगिंग मिरर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, मतलब ये ड्रेसिंग टेबल के साथ ही है जी। ये आ जाती है ऊपर वाली एक ड्रॉज, इसके अंदर आपको ज्वेलरी सिस्टम भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं इसमें आपको 2 कैबिनेट मिल जाएंगे हाइड्रोलिक कब्जों के साथ, ठीक। और एक साइड में आपको ये काफी बड़ी ड्रॉज मिल जाती है, ठीक। और लेग्स की बात करें तो आगे भाई देखें बहुत ही यूनिक इसके लेग्स लगे हुए SS के, अच्छा, स्टील के, प्योर स्टील के लेग्स। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी एक जंबो अलमारी जो नॉर्मल साइज से बहुत ही बड़ी अलमारी है, यार ये तो बहुत बड़ी है जी आगे भाई। 8 फीट की इसकी हाइट है और 6 फीट की इसकी विर्थ है। अंदर से मैं इसको खोल के दिखाऊं बाद में, तो पहले मैं आपको इसके ताले दिखाता हूँ। आप ताले देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के, मतलब ये जमीन से लेकर छत तक अलमारी जी है। अच्छी क्वालिटी के लंबी चाबी वाले ताले और अच्छी क्वालिटी के इसमें जो है SS के हैंडल लगे हुए और इसमें भी आप नीचे देखेंगे लकड़ी के 4 इंची चौड़े पाए लगे हुए जो सफाई के लिए बहुत अच्छा। एक मिनट, ये गिलास लगा हुआ है के ऊपर? नहीं नहीं आगा भाई, ये सुपर ग्लॉस की शीट है। अच्छा। जो इस वक्त की सबसे महंगी शीट है, इसमें काफी सारे टेक्सचर भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा। जरूरी नहीं है कि आपको इसी कलर में मिले, कलर की आपकी चॉइस है, कस्टमाइज भी आप इसमें करवा सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक। अंदर से मैं आपको खोल के दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें आपको जो है किचन कैबिनेट वाले कब्जे मिल जाएंगे और कैचर भी मिल जाएगा आपको, स्टेनलेस स्टील का कैचर मिल जाएगा, एक साइड पे रॉड मिल जाएगी, ये आपको यहाँ पे शेल्फें मिल जाएंगी। एक और चीज दिखाऊं मैं आपको आगे भाई, ये देखें ये इसकी ड्रॉज आ गई, ठीक है। ये आपने ड्रॉज ओपन करी, इसके बाद आपने ये पल्ला ऊपर उठाया और ये देखें एक बिल्कुल यूनिक सी इसमें सेफ भी मिल जाती है, ये खुफिया जी। आप अपने घर में सास से नंदों से छुपा के इसमें सामान रख सकते हैं, चोरों से भी जी, चोरों से भी। अच्छा, 2 ये हो गए, एक ये इसके बाद मैं आपको तीसरा डोर ओपन करके दिखाऊंगा आगे भाई। इसका तीसरे डोर में आपको इसी तरीके से हैंगिंग सिस्टम मिलेगा और ऊपर शेल्फ मिलेगी, नीचे शेल्फ मिलेगी, नीचे एक स्टोर भी मिलेगा और एक आपको ड्रॉस मिल जाती है। आगे भाई ड्रॉस के अंदर भी देखिए हमने अच्छी क्वालिटी की जो है कब्जे वो लगाई हुई है, चैनल है, मतलब वो व्हील वाली जो आजकल चल रही है ना, तो वो नहीं लगाई थी, अच्छी क्वालिटी की, मतलब हमने इसमें हार्डवेयर यूज करा हुआ है, ठीक है। ये हो जाता हमारा एक बेडरूम सेट, मतलब ये इसमें जमीन से छत तक अलमारी हो गई। जमीन से छत तक की साइज के बारे में अगर मैं बताऊं आगा भाई, इसका साइज प्रॉपर साइज जो है वो 8.25 बाय 6 फीट की है, मतलब विड्थ में ये 6 फीट है और हाइट में 8.25 फीट है। और एक ये हो गई इसकी। और ड्रेसिंग टेबल का जो साइज में अगर आपको बताऊं तो 4 फीट की इसकी विड्थ है और 6.5 फीट की हाइट है, ठीक। और डिवाइडर भी हमारा 6.5 एक डिवाइडर हो गया, ठीक है। और ये बेड हो गया, फुल साइज का बेड हो गया हमारा। तो ये कितने का प्राइस क्या देंगे इसकी आगा भाई? अगर इसके प्राइजेस की बात करें तो इसके आस्टिंग प्राइस मार्केट में तो आपको तकरीबन 3 लाख रुपए तक का मिलेगा ये एक्रेलिक लसानी की शीट में। लेकिन आपके व्यूवर्स के लिए, आपके चैनल जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपके चैनल को देख के अगर हमसे कोई कॉन्टेक्ट करता है तो उनके लिए 80,000 रुपए का डिस्काउंट करेंगे। ये पूरा बेडरूम सेट आपके व्यूवर्स को देंगे हम 2,20,000 रुपए का। 2,20,000 जी आगा भाई, ठीक हो गया आगा भाई। इसके बाद मैं आपको एक और बेडरूम सेट दिखाता हूँ। इस बेडरूम सेट का हमने नाम रखा है स्विस ड्रीम।
जिस तरीके से हमारी बहनें अपने ख्वाबों में अपने तसव्वुर में सोचती हैं कि हमें शादी में जिस तरीके से बेडरूम सेट चाहिए, आज उन्हीं के लिए ऐसा ही एक बेडरूम सेट लेकर आए लग्जरी स्टाइल में। ठीक, तो इसका भी स्टार्ट करते हैं हम इसके बेड से। बेड आप इसका देख सकते हैं, 5 फीट की हाइट का इसका बेड है। इसमें अलग अलग कटिंग स्टाइल के जो है पीसीस लगे हुए कुशन के, जिसमें हमने कुशन के अंदर जो है मलाई वेलवेट यूज करा हुआ है और वेलवेट के पीछे फॉर्म ऐड करा हुआ है। ये देखें, मतलब इसमें कोई कचरा वगैरह कतरन वगैरह हमने यूज नहीं करी हुई है। फिर इसके अलावा आप इसमें एक्रेलिक का बॉर्डर देख सकते हैं जो सीएनसी कटिंग होकर टोटल एक्रेलिक वन पीस में लगी हुई है। फ्लोरिंग इसकी साइड की पट्टी है। फुटबोर्ड की बात करें तो प्लेन फुटबोर्ड है इसका और यहाँ पर सेंटर में आपको एक एक्रेलिक का पीस मिल जाता है लंबा सा। और इसकी साइड टेबलों की बात करें तो काफी यूनिक स्टाइल की साइड टेबल है इसकी। हाई बैक की साइड टेबल कहलाती है, ये देखें बैट से बिल्कुल अलग है। फिर इसमें रूटर जीडी का काम हुआ है सारा, ये देखें। अगर भाई अगर करीब से करके दिखाएं तो ये हमारे व्यूवर्स को नजर आएगा। और फिर इसमें देखें, इसमें मिरर का भी काम हुआ है, वो कटिंग मिरर का काम हुआ है, अलग अलग पीसेस के कटिंग मिरर लगे हुए। फिर इसके बाद नीचे से इसके हम ड्रॉस की दिखाएं तो इसमें आप फ्रंट में देखें एक्रेलिक के साथ साथ इसमें सी रूटर जीडी का काम हुआ है। रिंग वाली नॉब्स लगी हुई अच्छी क्वालिटी की, दो ड्रॉस मिल जाती हैं। और ये हमारी एक ड्रॉस आ गई, ये हमारी दूसरी ड्रॉस आ गई। इसमें भी आपको लकड़ी के 4 इंची चौड़े पाए मिल जाएंगे, सफाई के लिए बहुत ईजी है ये। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका डिवाइडर, देख सकते हैं 4x6.5 फीट का इसका डिवाइडर है। आगे भाई इसमें शेल्फे आएंगी, 3 शेल्फे आएंगी। ऊपर आपको एक स्टोरेज मिल जाता है, नीचे आपको स्टोर मिल जाता है और इसमें भी आपको हाइड्रोलिक कब्जे मिल जाते हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं इसके पल्लों पे रूटर जरी का भी काम हुआ है, एक्रेलिक भी प्रेस हुआ है और अच्छी क्वालिटी की नॉब्स लगी हुई है इसमें रिंग वाली। इसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको ड्रेसिंग टेबल, ये आ गई कैटलॉग स्टाइल की ड्रेसिंग टेबल जो कि पूरी एक शीट के ऊपर बनी हुई है। और आप इसका मिरर देख सकते हैं जो ये प्रेस हुआ है पूरी शीट पर, मतलब कोई अलग से पीछे से किलो पे नहीं लगाया हुआ। और एक साइड में देख सकते हैं आप कटिंग स्टाइल के जो है इसमें मिरर लगे हुए जैसे साइड टेबलों में डिजाइन वही थीम है, इसी तरीके से इसमें भी रूटर जीडी का भी काम हुआ हुआ। ठीक है। फिर इधर आपको एक साइड पे कैबिनेट मिल जाता है, इसमें भी रूटर जीडी का काम हुआ हुआ प्लस एक्रेलिक का काम हुआ हुआ। लॉक लगा हुआ है एक अच्छी क्वालिटी का, इसको आप खोल के दिखाऊंगा तो यह देखें आप इसमें 3 हाइड्रोलिक कब्जे लगे हुए और एक शेल्फ लगी हुई है। अच्छा आगे भाई जो मैं दिखा रहा हूँ आपको पार्टेक्स के अंदर दिखा रहा हूँ, और पार्टेक्स की आप मेरी स्टेम भी देख सकते हैं अंदर, ये स्टेम लगी हुई है पार्टेक्स की। अच्छा ठीक हो गया जी, ये देखें ठीक हो गया। ठीक है आगे भाई, इसके बाद मैं आपको दिखाऊं इसकी एक ड्रॉस, ये आ गई हमारी ऊपर वाली ड्रॉस। इसके बाद आपको एक इसमें स्टेप मिल जाता है, फिर इसके बाद एक इसकी दूसरी ड्रॉस आ गई। और दूसरी ड्रॉस के बाद आप ये देखें एक छोटा सा स्टोर मिल जाता है जिसमें आप अपने शोपीस वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद हमारी ये तीसरी ड्रॉस आ गई, फिर ये एक साइड में आपको स्टेप मिल जाता है। ये हो गया हमारी ड्रेसिंग टेबल 4x6.5 फीट की। इसके बाद में डिवाइडर हो गया, इसकी अलमारी ठीक हो गई 4x6.5 फीट की इसकी अलमारी है। 4 डोर के ऊपर ये मुश्तमल है और इसके आप फ्रंट पे देख सकते हैं रूटर जीरी का काम, एक्रेलिक का काम हुआ हुआ है। अंदर से मैं आपको खोल के दिखाऊं तो आपको एक साइड पे हैंगिंग सिस्टम, नीचे 2 ड्रॉस मिल जाती है। इन ड्रॉजों के अंदर भी अच्छी क्वालिटी के चैनलें लगी हुई, अच्छी क्वालिटी के ताले लगे हुए, हाइड्रोलिक कब्जे लगे हुए। और गहराई की बात करें तो इसकी 22 इंच की गहराई है, मार्केट से बहुत ही अलग इसकी गहराई है, मतलब चोर साइज वगैरह किसी भी चीज में नहीं है। चार चार का वो है जी, चार पल्लों के ऊपर ये बनी हुई अलमारी, 6x6.5 फीट की नॉर्मल साइज की अलमारी है। दूसरी साइड पे आपको शेल्फों का सिस्टम मिल जाता है, 1 2 3 4 5 6 6 शेल्फ, यानी कि आपको 8 बॉक्सेस मिल जाते हैं इसके अंदर। आप अपना इसी इसमें अपना काफी सारा सामान इसमें इजी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा 4 पीस का बेड। एक ये हो गया डिवाइडर, हो गया ड्रेसिंग, हो गई, और दोस्तों ये हो गया फुल साइज का बेड। इसका अब प्राइस बताएं आगा भाई। अगर इसके प्राइजेस की बात करें तो ये मार्केट में आपको तकरीबन 2,30,000-2,40,000 रुपए का पूरा सेट मिलेगा। आपके व्यूवर्स को जो आपका चैनल देख के हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं और उनके लिए हम भरपूर डिस्काउंट देंगे, तवक्कल फर्नीचर की तरफ से आपके व्यूवर्स को मिलने वाला है ये पूरा बेडरूम सेट 1,75,000 रुपए में। 1,75,000 जी आगा भाई, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे चलें फिर जी आगा भाई। इसके बाद में आपको दिखाऊंगा अपना एक ब्लैक ब्यूटी बेडरूम सेट जो आप इसमें देख सकते हैं। ये आइए हमारा ब्लैक ब्यूटी बेडरूम सेट, जिसके स्टार्ट करते हैं हम इसके बेड से। और बेड में आप देख सकते हैं इसमें डबल फैब्रिक यूज हुआ है, टर्किश फैब्रिक भी यूज हुआ है, मलाई फैब्रिक भी यूज हुआ है। बीच में जो ब्लैक आप देख रहे हैं ये मलाई वेलवेट है और ये जो आप देख रहे हैं टर्किश फैब्रिक है। ठीक है आगा भाई, ठीक। और इसके अंदर ये आप देखेंगे अलग अलग पूरे कटिंग स्टाइल के पैनल लगे हुए हैं, जो आप 1-2 साल के बाद इसका कलर चेंज करवाना चाहें तो इजी हो भी सकता है। अच्छा, ये मैट्रेस तो इंक्लूड नहीं होता ना इसमें? मैट्रेस इंक्लूड नहीं है, जो भी हमारे प्राइजेस हैं वो सारे प्राइजेस जो है विदाउट मैट्रेस है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपको इसमें साइड की पट्टियां, फ्लोरिंग मिल जाती है, फुटबोर्ड मिल जाता है, प्लेन साइड टेबलों की बात करें तो हाई बैक की साइड टेबल है जिसमें मिरर का काम हुआ हुआ है और पूरा ये प्रेसिंग इसके ऊपर शीट के ऊपर हुई हुई है। चारों साइड पर आपको साइड टेबलों के नीचे बॉर्डर मिल जाता है जिसमें एक्रेलिक प्रेस हुई हुई है और 2 ड्रॉजिस मिल जाती हैं अच्छी क्वालिटी की नॉब्स के साथ।
ये आ गई हमारी डॉट रोजिस। अंदर देखें इसकी दराजों के अंदर भी हमने हेलकोनिया लगाई हुई है इसकी मजबूती के लिए। सही ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि इसके मत्थे निकल जाते हैं, मतलब क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज। क्वालिटी माशाल्लाह से हमारी तरफ से 4 ईयर वारंटी भी मिलेगी आपको। ठीक हो गया, क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज। आगा भाई इसमें देखें आपको इसके जो पाए सुराई टाइप के पाए 4 इंची चौड़े जो हमारे सफाई वगैरह और काफी हद के लिए जो है बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा ये हो गया बेड और साइड टेबल्स, इसकी वो कहाँ है डिवाइडर? ये आइए हमारा इसका डिवाइडर, 4 फीट का डिवाइडर आइए। इसमें भी आपको रूटर का काम मिल जाता है, एक्रेलिक का काम मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी की इसमें रिंग वाली नॉब्स मिल जाती हैं। और मैं आपको इसको अगर अंदर से खोल के दिखाऊं तो ये देखिए आगा भाई इसमें एक्स्ट्रा कैचर भी लगे हुए हैं मैग्नेट की अच्छी क्वालिटी वाले, दो आपको पर बॉक्स मिल जाते हैं, एक शेल्फ, दो शेल्फ, तीन शेल्फ, दो डिनर सेट इसमें आपके आराम से स्टोर हो जाएंगे। हाइड्रोलिक कब्जे मिल जाएंगे आपको इसमें अच्छी क्वालिटी के, 5-5 कब्जे लगे हुए हैं। और ये हो गया हमारा डिवाइडर जिसका साइज है 4x6.5 फीट, 4 इंची चौड़े लकड़ी के पाए। ठीक। इसके बाद में आपको दिखाऊं कैटलॉग स्टाइल की इसकी ड्रेसिंग टेबल, जहां पर एक साइड पे आपको लंबा सा मिरर मिलेगा, दूसरी साइड पे आपको छोटा सा मिरर मिलेगा। दो मिरर है जी राहिल आगा भाई, जबरदस्त। और इसमें बीच में आपको देखें एक्रेलिक भी मिल जाएगी। ठीक है आगा भाई, इसके अंदर आप ये देखें ऊपर से एक अलग से शेल्फ मिलेगी, शेल्फ के नीचे आपको एक यूनिक स्टाइल का सुराई टाइप का पाया मिलेगा गोल्डन कलर के अंदर। और फिर इसके बाद हमारी ड्रॉज स्टार्ट हो रही है, ये आ गई हमारी एक ड्रॉज ऊपर वाली अच्छी क्वालिटी की चैनलों के साथ। फिर एक स्टैप मिल जाता है आपको, उसके नीचे फिर आपको एक ड्रॉस मिलेगी, और इसके नीचे फिर आप देखें कि एक और स्टेप मिलेगा, इसके अंदर आपको एक पाए भी मिलेगा गोल्डन। अच्छा ठीक हो, ठीक है आगा भाई। फिर आप ये नीचे से अगर इसका बेस देखेंगे, इसका बेस बहुत ही मजबूत और यूनिक स्टाइल का बेस बना हुआ है, इसमें एक्रेलिक का भी काम हो रहा है। ठीक हो गया। साइड में अगर इसकी बात करेंगे तो इसका हमारा एक कैबिनेट आया था जिसके पल्ले पे रूटर वर्किंग का काम हुआ है, और अंदर आपको एक शेल्फ मिल जाती है। ये हो गई हमारी ड्रेसिंग टेबल। अच्छा इतने से दो डोर में भी तीन ये लगाए हुए जी आगा भाई, मतलब एक छोटा सा भी हमारा एक पल्ला होगा ना तो उसमें भी हमारे जो है कैचर बदले लगे हुए हैं जो ये वाले हाइड्रोलिक कब्जे कहलाते हैं। ठीक। और एक भी नहीं दो भी नहीं तीन तीन इसमें लगे हुए। ठीक हो गया। ये हो गई ड्रेसिंग टेबल जिसका 4x6.5 फीट का साइज है। ठीक। इसके बाद में आपको दिखाऊंगा इसकी अलमारी, बहुत ही यूनिक स्टाइल की अलमारी है, इसमें लंबी लंबी रूटर की झिरियों का काम हुआ है, लंबी लंबी एक्रेलिक की पट्टियां लगी हुई है। अंदर से खोल के दिखाऊं तो आपको इसी तरीके से एक साइड पे हैंगिंग सिस्टम मिलेगा, स्टेनलेस स्टील की रॉड मिलेगी, हाइड्रोलिक कब्जे, और एक साइड पे आपको दो ड्रॉजिस मिल जाएंगी लॉक वाली। ये हो गया हमारा एक साइड का अंदर का सिस्टम। अब मैं दिखाऊं आपको इसका दूसरे साइड का अंदर, ये भी 4 डोर पे जी, ये भी 4 डोर पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेल्फे लगेंगी, 8 आपको स्टोर मिल रहे हैं, यानी कि आप अपना काफी सारा सामान इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसकी साइज क्या है? आगा भाई साइज की अगर बात करें तो ये साइज इसके अंदर जो है ये 6x6.5 फीट का साइज है जो नॉर्मल अलमारियों का साइज होता है। और गहराई की बात करें तो ये पल्ले के साथ जो इसकी गहराई है वो 23 इंच है, और अंदर अंदर से इसकी डीप है 22 इंच की। मतलब मार्केट में आपको 17-18 मिलेगी, ये चोर साइज के अंदर कोई सी भी चीज नहीं बनी हुई हमारी, एक साइड टेबल भी प्रॉपर साइज पे बनी हुई है। अब ये अलमारी हो गई, ये ड्रेसिंग हो गई, और ये इसका डिवाइडर हो गया, इसका बेड हो गया, ये इसका बेड हो गया जी, दो साइड टेबल। ये कितने इसकी प्राइस है? 4 पीस का सेट है आगा भाई, ये 4 पीस के सेट की अगर प्राइसेस की बात करें तो मार्केट में आस्किंग प्राइस आपको 2,30,000 2,40,000 रुपए मिलेंगे। आपके चैनल को जो सब्सक्राइब करता है, आपके चैनल को देख के जो हमसे जो रابطہ करेगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हमसे इस बेडरूम सेट को देख के कॉन्टेक्ट करते हैं, तो उन व्यूअर्स के लिए हम इसमें भरपूर डिस्काउंट देंगे। तवक्कल फर्नीचर की तरफ से आपके व्यूअर्स को मिलने वाला है 1,75,000 रुपए का 4 पीस का बेडरूम सेट। अच्छा 1,75,000 जी आगा भाई, जी आगा भाई। ये आइए हमारा वो बेड जिसकी मैं आपसे एक बात कर रहा था कि हमारे कस्टमर ने हमसे जो है ये अपनी एक तस्वीर दिखा के हमसे ये मेक करवाया, देख सकते हैं आप इसका बेड जो कि फुल कुशन के अंदर है। हेडबोर्ड की बात करें तो ये हमारा हेडबोर्ड 9 फीट के विड्थ के अंदर इसका हेडबोर्ड है। अच्छा। और साइडों में आप देख सकते हैं पूरा राउंड सर्कल की तरह ये पूरा राउंड होया हुआ है, और इसके अंदर सेटी बनी हुई है जिसके ये चारों साइड से तीनों साइड से ये पल्ले। अच्छा ये सेटी है जी, ये भी इसके अंदर कपड़े के पीस लगेंगे। अच्छा ये खुल नहीं सकता, मतलब इसमें काम मतलब ये सेटी है, सेटी है जी, तीनों साइड पे सेटी है, और इसमें मजीद अभी काम बाकी है। अच्छा। जो हम वीडियो बना रहे थे तो हमने सोचा अपने व्यूअर्स को ये भी दिखाते चलें। और इसमें आप देख सकते हैं चारों साइड पे जो इसके वेलवेट का जो उसमें यूज हुआ है, इसमें टोटल बोनियों वाला काम हुआ है, ये बोनियों वाला काम कहलाता है, नमक पारे का डिजाइन कहलाता है ये। तो दोस्तों देख सकते हैं राउंड में है, और इसके बीच में अभी बेड इसमें गद्दा वगैरह फिक्स होगा, गद्दा आएगा 6x6.5। ये इसकी डिजाइन आप देख सकते हैं, बड़ी जबरदस्त डिजाइन है। इसमें कलर भी सारे मिल जाएंगे, जो कलर का कोई इशू नहीं है, कलर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे तवक्कल फर्नीचर से आप। अच्छा जैन भाई मैं तस्वीर आपको भेजूं तो उस हिसाब से आप बना के देंगे फर्नीचर?
जी आगा भाई, जैसे कि अगर हमारे किसी भी व्यूवर्स को आप हमारा कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आता या उनके पास कोई ऐसी तस्वीरें तो वो हमारे को सेंड कर सकते हैं, हम उनको उनकी तस्वीर के हिसाब से भी उनकी चीज़ बना के सेम वही होगा, सेम एज इट इज़ वही होगा। तो अच्छा मतलब कोई इसमें कमी पेशी कुछ भी नहीं, सेम वही चीज़ बना के देंगे आप? आगा भाई तकरीबन पिछले 10 सालों से जो हमारा काम चल रहा है ऑनलाइन वर्किंग का जो काम चल रहा है वो इसी तरीके से चल रहा है कि डिज़ाइन आपका होता है, कलर आपका होता है, बना के हम देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जो डिज़ाइन आप लोग हमें देते हैं हम एज इट इज़ वही आपको बना के देते हैं। 20 भी नहीं, मतलब ये है कि 19-20 थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन सेम होता ही है इंशाल्लाह ताला हमारा सेट। चलें दोस्त, भी डिज़ाइन होता है। तो बहुत शुक्रिया फैसल भाई। तो दोस्तों इंशाल्लाह फैसल भाई के साथ और भी बहुत सारा यहाँ पे इनका बहुत सारा कारखाना है और बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह फैसल भाई के साथ बनाते रहेंगे क्योंकि एक वीडियो में इतनी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना और अपने गिरने वाले अजीज़ों का दोस्तों का बहुत सारा ख्याल, मुझे दें इजाज़त।